Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। यार आज बहुत दुख वाला दिन है क्योंकि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल T20 वर्ल्ड कप का मैच था यार, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो हार गया है। यार तंग है। एक तो पहले बैटिंग में भी यार 15 रन बनाए रिजवान ने, ठीक है, बाबर ने वो 30-32 बनाए, उसके बाद इफ्तिखार भाई 0 पे आउट हो गई है, ठीक है, और शताब ने 30 बनाए हैं, बाकी नवाज ने भी कोई 10-15 ऐसे ही बनाए हैं, बाकी फिर बॉलर्स क्या करते हैं बीच में है। 138 का टारगेट दिया, उसके बाद शुरू में बॉलिंग सही हुई है, मिड तक उन्होंने काफ़ी उनका स्कोर रोक लिया हुआ था, पर मुझे ये नहीं समझ आ रही थी, बाउंड्रीज खाली थी, वो हल्का सा ऐसे शॉट मारते थे चौका हल्का सा शॉट मारते थे चौका, बाउंड्री पे प्लेयर्स ही नहीं थे। और जो स्ट्रोक्स उसका दो बार कैच छूटा है, आखिरी जो कैच छूटा उसके बाद उसका मीटर घूम गया, उसके बाद उसने चौके छक्के ऐसे मारे, मैच जितवा गया। शुरू से जब विकटें वगैरह ने बोल्ड की, वैसे शहनशाह फ्रीजी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग, वैसे लड़कों ने एफर्ट्स किया है, पर यार फील्डिंग में हार गए हैं। यार फील्डिंग में दो बार तो उसका स्टंप छूटा है यार, रन आउट छूटे हैं दो बार, ठीक है, उसके बाद यार वो जीत जाते, मिड में ऐसा ही लग रहा था कि जीत जाएंगे, एंड तक यही था कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा जीत जाएंगे, पर यार बस अब जो असल हकीकत यही है कि हम हार चुके हैं, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हार गया। अब यार जब लास्ट में तकरीबन 15 मिनट पहले उनको 29 बॉल्स पे 41 रन चाहिए थे, तो उसने चौके मारे हैं लगातार, देखो इस तरफ ऑफ साइड के ऊपर भी ना कोई बंदा नहीं था, उसने देख देख के गैप में चौके मारे हैं। यार जब इंग्लैंड की बैटिंग थी, आप लोग हाईलाइट्स में देखिएगा, अगर जिसने मैच नहीं देखा हुआ, जिन्होंने देखा हुआ उनको पता ही होगा कि जब पाकिस्तान की बैटिंग थी वो शॉट मारते थे, प्लेयर पहले पहुंचा होता था बॉल के आगे, मुश्किल से चौके लगते थे। इन लोगों ने ऐसे चौके मारे हैं, इंग्लैंड वालों ने ऐसे चौके मारे हैं, ऐसे तो पता नहीं क्या है यार। एट द एंड हम यही बोलेंगे तुम जीतो या हारो, मैं तुमसे प्यार है, पर वैसे पर यार प्यार है और रहेगा इंशाल्लाह, पर दुख हो रहा है ना यार, जीत जाते, जीता हुआ मैच हार गए यार, जीत जाते, थोड़ी सी यार फील्डिंग थोड़ी सही होती ना, जीत जाते यार, काफी बंदों को मुंह तोड़ जवाब मिल जाता यार। और यकीन मानो इधर तो पाकिस्तान में खुशियों का ऐसे खुशियां मनानी थी लोगों ने कि कसम से कभी किसी ने देखी नहीं होंगी, पर यार चलें खैर ही है, हार जीत तो होती रहती है, एक ना एक टीम ने जीतना था, पाकिस्तान जीत गया है, बाकी अल्लाह पाक करे कि इंशाल्लाह अगला ट्रॉफी जो है वो पहुंचे, पर हाँ ये है हमारी टीम ने बहुत एफर्ट किया फाइनल तक पहुंची, यही बड़ी बात है, बहुत अच्छा खेले हमारे लड़के यार, इसमें कोई डाउट नहीं है यार, बहुत मेहनत की है उन्होंने, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, अब जो भी है हम फिर भी अपनी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है, आगे ये है कि इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह मेहनत करें, अच्छी कारकर्दगी करें यार, अच्छी तरह इंशाल्लाह ताला अगले भी T20 वर्ल्ड कप में, अब आगे मेरे ख्याल से शायद बड़ा वर्ल्ड कप आ रहा है, शायद उसमें पाकिस्तान जीत जाए, वो भी ये भी हो सकता है, अब देखें यार, पर ये भी चीता हुआ था, बार बार दिमाग, अच्छा भूलने की जितनी भी कोशिश करो तो बार बार दिमाग में आया था, दिल में ऐसा लगता, दुख होता है यार, अच्छा जितनी भी भूलने की कोशिश करो वैसे इधर उधर माइंड लगाओ ना, फिर भी यार अचानक कोई यहाँ से आ जाएगा यार मैच देखा यार, फिर वही बात दिमाग में याद आ गए, फिर आगे थोड़ा फिर भूलने की कोशिश करो, फिर कोई बंदा मिल जाएगा यार मैच देखा यार क्या हुआ यार, फिर बंदे के दिमाग में आया था, तो वैसे खुद भी बंदा इधर उधर ध्यान भी लगाए ना, फिर भी बंदा ये है कि माइंड में आ ही जाता है कि यार मैच हार गया, अब ये है कि हफ्ता दिन ही 2-3 दिन की बात है, फिर बोल बाल जाएगी वहाँ, पर ये है फिर भी हम इंशाल्लाह ताला अपनी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते रहेंगे और करेंगे इंशाल्लाह ताला, हमारे लड़कों ने बाकी टीमों से तो बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, बहुत अच्छी बॉलिंग स्पेल, बहुत वैसे हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, शहनशाह अफरीदी ने तो क्या कमाल की बॉलिंग कराई है, नसीम शाह ने क्या स्विंग किया है यार, बहुत ज़्यादा बॉलिंग कराई है, उनका जो स्ट्रोक था पहले परेशान हो गया था कैसे कैसे स्विंग कर रहा है, हमारे बॉलर बहुत कमाल के हैं यार माशाल्लाह यार, ये अभी दुखी होने की कोई बात नहीं है, पता है सब दुख हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? सब दुखी है, सबको दुख हुआ हुआ है। चले खैर है, ये हार जीत होती रहती है, ठीक है। अपनी टीम से प्यार करें, अपने टीम के पाकिस्तान टीम के प्लेयर से प्यार करें यार। उनको ये है कोई बुरा अल्फाज उनके लिए मत बोलना यार, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, हार जीत नसीब की बात है, ठीक है। हार गए कोई बात नहीं, आगे जीत जाएंगे यार, ठीक है। बस दुआ करनी है अपने सब प्लेयर्स के लिए, अपने पाकिस्तान टीम के लिए, ठीक है। तो एंड करते हैं आज का ब्लॉग का, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।